जय चौथ माता की। ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत पूरे भारत देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को तिलकुटा चौथ का व्रत भी कहते हैं। इस वर्ष सकट चौथ का त्यौहार 21 जनवरी वार शुक्रवार के दिन है। सकट चौथ व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर उपवास रहती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ पर गणेश जी की आरती, वंदना और मंत्रों के जाप पर मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ पर गणेश मंत्र और चंद्रोदय का समय। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा और व्रत रखने का विधान है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस तिथि पर महिलाएं व्रत रखते हुए भगवान गणेश की पूजा अर्चनाएं और चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं। गणेश जी की पूजा के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करते हुए व्रत को पूरा किया जाता है। इस बार 21 जनवरी को चंद्रोदय रात के लगभग 9 बजे होगा। हालांकि अलग अलग जगहों पर चंद्रमा के निकलने का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में जो अब की बार सटीक समय है चंद्रोदय का, वो रात्रि 9 बजे है। रात्रि 9 बजे चांद निकलेगा। उसके बाद में जिन्होंने भी उपवास किया है, व्रत किया है, वो चंद्रमा को जल अर्पित करके या अर्पण करके अपना व्रत खोल लें और उसके बाद में आप भोजन कर लें। सकट चौथ पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों के जाप से भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं। अगर आपके पास कोई भी किताब वगैरह नहीं है तो आप अपने मोबाइल से गणेश जी की आरती जरूर सुन लें। जब आप व्रत खोलती हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं तो मोबाइल से गणेश जी की आरती आप जरूर सुन लें। चंद्रमा रात्रि 9 बजे को निकलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट बॉक्स में श्री गणेश आय नमः लिखें।